तो दोस्तों अब खेल शुरू हो गया है। दोनों शेर मैदान में उतर चुके हैं और मजे भी ले रहे हैं, हैं? और ये दोनों अभी जोश में भी आ रहे हैं और दोनों जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जीतने तक पीते रहो। खेल बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। बॉटल एक एक करके खाली होती जा रही हैं। दोनों जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी रुकने को तैयार नहीं है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। अब देखना है कि कौन पहले रुकता है। और अचानक ऐसा लगने लगा है कि दोनों की स्पीड थोड़ी कम हो गई है और ये शायद रुकने वाले हैं अभी। ए, 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 इधर नहीं, उधर निकल। अरे रुक जा, निकालना मत, ये तो हार जाएगा। और अपोजिट पार्टी काफी तेजी से कट 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 करके पिए जा रहे हैं और इन्होंने भी निकल लिया। मेरे सामने ये बियर क्या चीज है? और अंत में, इस खेल के अंत में, अब वो शक्ति जीत गया है, ये मैं अनाउंस कर देता हूँ। तू खुद को क्या समझ रहा है? अच्छी कमेंट्री कर लेता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रोग्राम का एंकर बन गया है तू। तू कहाँ जा रहा है तू? हाँ, अंदर एक अच्छी सी लड़की देख के शादी करने जा रहा हूँ, हट जा। बियर मारनी बड़ी बात नहीं है, उसको रोकने में जीत है। 20 बियर, 20 मिनट की शर्ट, 20,000 का प्राइज। इस गेम का नाम है जो रोका वो सिकंदर। अभी 3 मिनट और बाकी है, सांस रोक ले और चल यहाँ से। अच्छा अबे ये क्या कर रहा है? गेम वापस शुरू हो रहा है और अब देखना यह है कि दोनों में कितना सब्र करने की शक्ति है। ऊपर से भेजा ठंडा हो रहा है और नीचे से उन्होंने छोड़ दिया। टाइम पास में एक्सरसाइज फोटो हट गया और ये बात तय हो गई कि अब ये हार चुके हैं। ऊपर वाला ही जाने अब क्या होगा। मैं इतनी बार गया फिर भी निकल ही रहा है। मैडम यही दोनों हैं रिवर्स इंजीनियर। अरे ये कौन सा इंजीनियर होता है? ये डुप्लीकेट भी ओरिजिनल की तरह बनाते हैं, इसलिए इनको रिवर्स इंजीनियर कहते हैं। अरे इस इंजीनियर ने तो पी रखी है। कहता है कल कोई मैच था और उसमें ये जीत गया है मैडम। 2020 मैच, गेम का नाम जो रुका वो सिकंदर। ए मुंह बंद कर, कल सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर करना है। एक पेपर भी हाथ में नहीं है, दारू पी के बेहोश पड़े हैं। इन दोनों के पेपर्स रेडी कर देना। सुन रे, सुबह तक होश में आ जाना। हाँ ठीक है, नहीं तो जज हमें गालियां देगा। मैडम यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं हूँ ना, हट जाओ। अरे तू सो जा। बहन जी तकिया मिलेगा क्या? ए चल सो जा। अच्छा, सोता हूँ ना। क्या रे, तू होश में आ गया क्या? नहीं मैडम, मुझे नींद आ रही है, सुबह देख लेते हैं प्लीज। अरे नहीं नहीं है, बैठ जा, टाइम नहीं है, कैसे भी करके देना। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर के बगल वाला अगर सो जाए तो ड्राइवर को भी नींद आती है। मैं बिना सोए काम कर रहा हूँ तो इन सभी लोगों को भी काम करना चाहिए ना। अरे ये लोग दिन में भी काम नहीं करते तो अभी क्या काम दूं इन्हें। एक्सक्यूज मी सर, जरा पकड़िए। ए साइको, नींद आ रही तो चाय पीना और नहीं पीनी तो चेहरे पर डाल ले। पागलों की जैसे बलून फुलाने के लिए मुझे क्यों बोल दिया? सारे बलून मिक्स कर दिए हैं आपने, मुझे क्या सारे फुलाने पड़ेंगे? चल काम कर, बड़बड़ मत कर। बहन जी आप कैसे सर सर फुला लेती हो? मुझे तो इसकी आदत है। देख मुझे देख के तू भी फुलाना शुरू कर। आपके घर में छोटे बच्चे बहुत है क्या? अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई। आपसे भी नहीं हो रहा। अब नहीं होगा, मेरे होंठ सूज के बलून जैसे फूल गए हैं। छोड़ दे यार, अब नहीं हो रहा मेरे से। फुला फुला, माफ कर दे भाई। यस,
आई गॉट इट। मैडम मैडम आइए ना, आपका काम हो गया, आइए मैडम। मैडम मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, 2000 घंटे से 10,000 हुआ, तो मेरे पैसे दे दो मैडम। 200 बलून फुलाए मैडम, होंठ सूज गए हैं, मुझे कुछ लेने का है, सोच समझ कर दे दीजिए। ये क्या रे, बड़े कंपनी के जैसा रेट लगा रहे हैं। मैडम पुलिस वाले हैं तो डिस्काउंट देता हूँ, 10 होते हैं तो 9 दे दो, नहीं तो मैं डिलीट कर दूंगा। हम लोग पुलिस वाले हैं। आप कौन है, मुझे उससे क्या, मैंने जो काम किया है मैं उसके पैसे नहीं छोड़ने वाला, डिलीट कर दूं? ए, मत 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 मत, अरे अपने बड़े साहब को बुलाओ, जल्दी जा। अरे अरे डिलीट मत कर। टॉमी टॉमी, ए टॉमी, ए अरे टॉमी कहाँ चला गया यार, जा जा बाहर होगा देख। अरे मैंने देख लिया, वो वहाँ पर नहीं है। टॉमी सच में नहीं मिल रहा क्या? सच में। त्रिशा को ट्वीट करता हूँ, हाय त्रिशा, अपना टॉमी घर से कहीं गायब हो गया है, वो कहीं भी नहीं। छोड़, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे पहले भी वो ऐसे ही भागा था तो मैंने उसके गले में एक GPS डिवाइस लगाया था और उसी के सहारे हम उसे ढूंढ सकते हैं, समझा? टॉमी एक्सप्रेस हाईवे पर है, ये रहा। टॉमी टॉमी, अरे क्यों भाग जाता है तू? हाँ टॉमी आ जा, हम तेरी अच्छे से देखभाल करेंगे। अरे तू उसे छोड़, गाड़ी स्टार्ट कर, चल। 99% एप्पल और 1% ऑरेंज है, अच्छा है ना? क्या शक्ति, 2500 में बात की थी ना। अरे रेट की बात हो गई थी, फिर से वही बात कर रहे हो? देखो ये कितने दिन काम करेगा किसे पता। अरे क्या से 3000 रुपए के लिए सोच रहे हो, आप शोरूम में जाओगे ना हा? तो शोरूम की चकाचौंध दिखा के आपसे 50,000 रुपए निकाल लेगा वो। AC की हवा में जब सुंदर लड़कियां बोलेंगे ले लीजिए सर, तो चुपचाप से पैसे दे दोगे। ठीक है ठीक है, ये लो। वैसे वारंटी होती तो अच्छा रहता। अरे सेठ अपनी जुबान ही वारंटी है, बिंदास जाओ। ठीक है, अच्छा वो स्टेबलाइजर जो है वो अगले हफ्ते भिजवा देना। ठीक है सेठ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? पहले निकलो यहाँ से। ओए विदाउट बिल नहीं चाहिए, कैसे बोल दिया ना? दिया तुमने मुझे, कितना बकवास है, खरीदते वक्त कैसी बड़ी बड़ी बातें की, कितने झूठे हो तुम। अब मैं ये रख भी नहीं सकती और फेंक भी नहीं सकती, मुझे जो तकलीफ हो रही है मुझे ही पता है। ए, तू तो बहुत अच्छा आदमी था यार, ऐसा कब से करने लगा? देख कस्टमर के साथ चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है। हाँ तू चुप रह, देखो पहले तुम यहाँ से निकलो। अच्छा तुम्हारा काम हो गया तो मुझे निकलने के लिए बोल रहे हो? मैडम आप कौन है मैं नहीं जानता, आपका नाम भी नहीं पता, आपकी कास्ट क्या है आई डोंट केयर, लेकिन कोई परेशान है तो उसे परेशानी से निकालना मेरा काम है। बस एक बार मुझे बोलिए, मैं आपके बच्चे के बाप के जैसे सारी तकलीफें अपने दिल पे ले लूंगा। व्हाट द हेल, छोड़ूंगी नहीं, गांव वालों को बुलाकर तुम्हें पंचायत में खड़ा करूंगी। स्टार्ट करो भैया। 3 TB हार्ड डिस्क देता हूँ, IC और प्रोसेसर देता हूँ बोलकर धोखा दिया है इसने मुझे, विंडोज भी ओरिजिनल नहीं है इसका। भाई ये झूठ बोल रही है भाई, 4 GB रैम दिया था, 54 GB मेमोरी था, ये GB रैम का लेंस भी सॉलिड था, सब कुछ उसे क्लियर करके दिया था, पूछ लो आप। झूठ बोल रहा है भैया, वारंटी भी नहीं दी इसने। भाई अपनी जुबान ही बहुत बड़ी गारंटी है। तेरा मैटर क्या है बता? मैं जो वाटर पैकेट कस्टमर को 4 रुपए में बेचता हूँ, ये वही वाटर पैकेट 2 रुपए में बेचता है भाई, ये मुझसे 2 रुपए कम में बेचता है, इसलिए कस्टमर मुझसे झगड़ा करते हैं। इसका मैटर मुझे साफ सुथरा लगा और ये तुरंत मेरी समझ में भी आ गया, और तू ये क्या GB बोले जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊंगा। सर उससे पहले 1 मिनट, आप 1 रुपए बढ़ा दो 1 रुपए कम कर दो तो ठीक रहेगा। बढ़िया, जो मैंने सोचा तुमने बता दिया, तुम लोग जाओ। ठीक है भाई, ऐसे ही शॉर्टकट में मुझे समझाया करो यार। आपके थिएटर में कोई फिल्म देखने आता है, फिल्म उसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो पैसे वापस मांगेगा, तो आप देंगे क्या? ए, पैसे लौटाने वाला लगता हूँ मैं, अरे मैं परेशान हो गया तुम्हारी बातों से। अब समझ में आया ना आपको, बस पिछले 5 मिनट में ही इस लड़की ने आपको इतना परेशान किया तो मुझे कितना परेशान किया होगा, अपना 6 महीने यूज किया हुआ लैपटॉप मुझे वापस करना। भाव कम है इसलिए हम तुम्हारी दुकान में आते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी चीप है। I know he's a number one fraud. You are number one cheater. Excuse me? You know, तुमने मुझे cheater बोला? ओके, तुम मुझे cheater बोल रहे हो? ये लापरवाही तुमने बात करी है। चुप हो जाओ। मैंने कहा चुप। फिल्म नहीं देखते हो? हॉल में जाकर देखो, जैकी चैन भी हिंदी में बोलता है और तुम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हो? ए भाई, ये लड़की जो है ना अपनी खास है, ये 3T मांग रही है और तुम 2T दिखा रहे हो, एक और टी डाल दो उसमें, अगर नहीं दिया ना तो देख लेना। ए, इससे पूछ थिएटर का इंश्योरेंस है क्या? साहब पूछ रहे हैं थिएटर का इंश्योरेंस है क्या? हैं? क्या बोल रहा है? प्रोजेक्टर में आग लग जाए तो पूछ उसे क्या होगा। सर आगे पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्टर का प्रोटेक्शन आखिर क्या है? हैं? प्रोटेक्शन? अगर फिल्म चलते चलते प्रोजेक्टर जल जाए तो क्या होगा, पूछ उससे। ए सुन, अगर थिएटर में आग लग गई तो आप लोग पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे।
देखो बेटी, इन पढ़े लिखे लड़कों के साथ दोस्ती कर लो। तुम्हें एक लैपटॉप ही चाहिए ना? अगले महीने काउंसिलर का इलेक्शन होने वाला है, सबको एक एक लैपटॉप फ्री मिलेगा, और जो मुझे मिलेगा वो तुम ले लेना। फ्रेंडशिप में तो ये सब चलता है ना। ए, कौन थिएटर के अंदर चुरूट पी रहा है? लाओ फोन दो मुझे। थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। हेलो, आग के छोटे से मैटर से डर कर भाग गया। इसके पास तू हमें लाई थी, तू जा अपना काम कर। देखो, मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई गलती हो सकती है। क्या वो लैपटॉप सीरियसली काम नहीं कर रहा है? ऑन तक नहीं हो रहा है। सी, इसके ऊपर मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकती। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। वो दे सकते हो या नहीं बोलो। अगर पैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम है तो पहले बोलना चाहिए ना। मैं कहीं से भी उधार पैसे तुम्हें दिलवा देता। मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो एक काम करो, कहीं जॉब पकड़ लो। मेहनत करके पैसे कमाना कितना मुश्किल है पता चल जाएगा। लैपटॉप को तोड़कर उसे क्यों टॉर्चर कर रही हो? अपना टाइम वेस्ट मत करो आशा। तुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है तो मेरा लैपटॉप ले ले। 2 साल बिना कुछ किए तुम्हारे घर में रह रही हूं, और ऊपर से ये सारी जिंदगी उधार पे नहीं जी सकती। प्लीज ए, फटाफट कैमरा फिट कर दे यार। नमस्ते सर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता होगा कि AICT ने जांच करने के बाद इस बात का खुलासा किया है कि 55 से अधिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ना तो प्रॉपर टीचर है और ना ही काम करने वाले। डिपार्टमेंट के लिए एक डीन और MEMTech के लिए हर 2 लोग के लिए एक कंप्यूटर और 100 लोगों के लिए एक टॉयलेट, इनमें कोई भी रूल फॉलो नहीं किए गए। ऐसे कॉलेजेस से बिना तजुर्बे के इंजीनियर्स निकल रहे हैं और इस वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए जब तक इन सबको बिल्कुल सही नहीं कर दिया जाता तब तक मेरा आदेश है ये कॉलेज बंद रहेंगे। अबे सुना क्या, पाकिस्तान के बाजू में 10 एकड़ की जमीन खरीदकर उस पर बिल्डिंग बनाकर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का विश्वास दिलाया था इस मिनिस्टर ने, लेकिन सबको चूना लगा दिया इसने। सुन रहा है ना तू? और क्या, नेता लोग तो होते ही ऐसे है ना। ये तो भाषण दे देंगे लेकिन फंसेंगे बेचारे स्टूडेंट ही। कॉलेज के नाम पे पैसा पास कराएंगे, कॉलेज बने ना बने इनकी जेब गरम जरूर हो जाएगी, और इनके चक्कर में लाखों स्टूडेंट के करियर जरूर बर्बाद हो जाएंगे। चल अपना काम हो गया। नहीं, गवर्नमेंट के पास ये भेजा है, गवर्नमेंट इसे वेरीफाई करेगी। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन इसका समाधान कब तक मिलेगा सर? सर सर, कैमरा 1 इज रेडी, कैमरा 2 इज रेडी, पिक्चर सभी क्लियर आ रहे हैं ना सर? दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, और तूने जो बोला वो भी सुना। कॉलेज के नाम पे पैसा बनाएंगे, अपनी जेब गरम करेंगे सर। ये नेता लोग का काम ही है भाषण देना है? हमें ऐसा बोला था सर। उसके बारे में तू क्या जानता है बे? सर, अपने काम से काम रख और चुपचाप यहाँ से निकल ले, समझा? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकल। सर लेकिन हमारे पैसे। अच्छा तुझे कहाँ ने ढूंढा? सॉरी सॉरी, तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ, क्या है इसमें? जरा ये न्यूज़ पढ़। अपने कॉलेज को मिलाकर टोटल 55 कॉलेजेस को बंद करने वाले हैं क्योंकि उनमें फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है यार। इंजीनियरिंग कॉलेज में ताला लगने से सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। वो सभी बहुत परेशान हैं। अब क्या करेंगे यार? फिर से काउंसलिंग करेंगे। तमिलनाडु में कहाँ वैकेंसी है ढूंढते रहेंगे। तुम्हें कन्याकुमारी में मिलेगा,
और मुझे कोई और शहर में। हाँ? क्या, क्या हुआ? अरे अरे बता ना, क्या हुआ? हुआ क्या हुआ? मैं केमिस्ट्री में सिलेक्ट हो गया, इसके लिए मेरे माता पिता बहुत खुश थे। अपना बेटा पढ़ेगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपना ख्याल रखेगा, लेकिन अब तो देखो तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, कहीं और ट्राई करो, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। अरे यार छोड़ ना, सब ठीक हो जाएगा। देख तो रो मत, सरकार जरूर कुछ करेगी। हाँ चुप हो जा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते यार, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर, रिची टेक से शक्ति आया, ऐसा आईटी को बोल दीजिए। क्या कहा? सर को बोल, सर को बोल। नहीं नहीं सर कुछ नहीं, नमस्ते। अबे मुझे क्यों बात करनी चाहिए उससे। हे, जब तक मैं नहीं कहता कार से मत उतरना। भाई, ओ भाई, भाई इधर आओ। मैं तुम्हारा भाई हूँ क्या? चलो जाओ। अरे तुम्हें नहीं, बगल वाले को बोल रहा हूँ। कौन ये? हाँ इधर आओ जल्दी। जा तुझे ही बुला रहे हैं, जा। अरे तू चुप कर ना यार। मंत्री जी हैं क्या? हाँ है सर। उन्हें बोलना कि तारा इंजीनियरिंग कॉलेज से नंदमुनि आया है, ये उन्हें पहुंचा देना। ओके सर। अबे ये क्या है, कहाँ ले जा रहा? अरे आ रहा हूँ बस। ए कौन हो तुम, अंदर कहाँ जा रहे हो? मैम तारा इंजीनियरिंग कॉलेज से नंदमुनि सर आए हैं, उन्होंने मुझे ये लड्डू दिए है अंदर देने के लिए। ठीक है ऊपर जाओ। हाँ क्या काम कर रहा है इसे, कितनी बार समझाया मैंने। सर कौन हो तुम? नमस्ते सर, तारा इंजीनियरिंग कॉलेज से नंदमुनि सर आए हैं, ये उन्होंने दिया है। सर नीचे हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए सर। सर उसका 23,000 का बिल बाकी है सर, हम रोज आ रहे हैं, कोई हमें जवाब ही नहीं देता। क्या है ये भाई, बहुत कम लग रहे हैं ये तो। हैं? लो ये वापस नंदमुनि जी को दे दो। सर वो सीसीटीवी कैमरा का पेमेंट पहले ये ले जाकर दो। जाओ 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 जाओ। ठीक है। अबे अबे जरा सुन तो। हां रुक जा, वो कह रहे ठीक से लड्डू नहीं बने। आप ले जाकर दे दो। ए, सुन 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 सुन। कितने हैं? सात है सर। सात ही हैं? ले जाकर उसे दे दो वापस। सर वो हमारे 23,000 मिल जाते तो। ए, जा जा। अबे क्या ऊपर से नीचे भाग रहा है तू यार? अरे यार ये लड्डू उन्हें कम लग रहे हैं। लड्डू लड्डू अच्छा दिखा। सर वो गुस्सा हो रहे हैं, और लड्डू चाहिए। अब भी कम लग रहे हैं उन्हें। अंकल लगता तो नहीं कि आपको शुगर हुई है, और डालिए ना, डाल दीजिए। अरे डालिए अंकल सारी, क्या कंजूसी कर रहे हैं, डालिए ना। अरे भाई अपना देश ही ऐसा है, सब कुछ पानी में ही है यहाँ पे। चल फोन रख। सर सात लड्डू की जगह मैं 10 लड्डू ले आया हूँ, देखिए ऐसा लग रहा है कि आपको लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी फैमिली में भी लड्डू सबको पसंद है सर, सच में। आप गणपति में मेरे घर आइए, खूब लड्डू खिलाऊंगा। आप अगर हमारा पेमेंट दिलवा देंगे तो बहुत कृपा होगी सर। हे ऊपर वाले अपनी कृपा हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज न मिलने की वजह से जिन कॉलेजेस को बंद किया गया है उन सबको 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर इस मोहलत के अंदर इन कॉलेजेस ने अपनी फैसिलिटी सही नहीं की तो उन कॉलेजेस का लाइसेंस गवर्नमेंट हमेशा के लिए कैंसिल कर देगी। ए, पहले तू मेल ओपन कर। क्या ओपन करना? ये? We are informing you, your project has been approved. ये हुई ना बात। yeah. Sir, एक बात कहूँ, अगर आपके मोबाइल फोन का ऐप काम नहीं करता है तो आप ऐप डिलीट कर देते हो। अगर सेल्फी लेने के लिए कैमरा काम ना कर रहा हो तो आप फोन को चेंज कर देते हो। लेकिन अगर हमारी कार पंचर हो जाए तो हम उसे बेचते नहीं। नहीं ना, स्टेपनी लगाते हैं, पंचर बनवाते हैं और कार को फिर से यूज करते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही कुछ है कि हम फोन को फिर से यूज कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो ये देखो मेरा फोन, मैंने इसमें कुछ मैंने ऐसा ही किया पहले है। कहीं देखा है। बाकी डिटेल्स ये देंगे। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कई स्मार्टफोन यूज किए होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए हम बहुत कम कीमत पर नया स्मार्टफोन लेकर आए हैं। और कस्टमर हमारे इस नए स्मार्टफोन को आसानी से ईएमआई पर खरीद सकते हैं। हर एक शॉप पर ये फोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दोस्त से क्रेडिट कार्ड मांग कर उसे स्वैप करके फोन खरीदोगे तो ऐसा फोन क्या कभी टिक सकता है?
और अगर फोन कहीं गिर गया तो गारंटी, वारंटी, स्क्रेच गार्ड, स्क्रीन गार्ड का झंझट अलग से होता है। आजकल फोन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आए दिन कभी कीपैड खराब हो जाता है तो कभी बैटरी खराब हो जाती है। आपका फोन सिर्फ फोन नहीं होता बल्कि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। फोन का मतलब गर्लफ्रेंड जो हमारा ख्याल रखती है। फोन का मतलब माँ, माँ के बारे में तो पता है ना, उसकी तरह है हमारा फोन। अगर कीपैड खराब हुआ तो 200 रुपए में बदल जाएगा, कैमरा 500 रुपए में रिपेयर हो जाएगा। इसके सारे पार्ट्स आप आसानी से असेंबल कर सकते हैं। ये फोन चाइना से भी एक कदम आगे है और वर्ल्ड के किसी भी फोन को टक्कर दे सकता है। आज हमारा देश मेक इन इंडिया से पूरी तरह से जुड़ चुका है सर, और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। दैट्स ऑल एवरीबॉडी, थैंक यू। तो हम लोगों ने इसका नाम रखा है बेरिका। ऑप्शन बेरी का बेर भी कह सकते हैं। थोड़ा देर से बोलना। कई सारी कंपनियां हैं जो महंगे मोबाइल बनाती है, लेकिन पेरी का मोबाइल जो आम लोगों के लिए बहुत सस्ता होगा। हमारे देश में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो कि कचरे के समान है, लेकिन हमारे पेरी का बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिस्टर शक्ति। यस मैम। हमारे लिए ये ओके है, लेकिन हम लोगों का एक और पार्टनर है, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। उसने ओके कर दिया तो वी कैन प्रोसीड। और कौन है आपके पार्टनर? पेरी का ब्रांड एम्बेसडर किसी फिल्म स्टार को बनाएंगे। हाँ बढ़िया है। 50,000 एडवांस मिल जाएगा ना? हाँ देगा ना। देना? जो कहा था ये वही बेरी का है? यस सर। वैसे इन्होंने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है। आई लाइक योर कॉन्सेप्ट, आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन 5 लाख की एडवांस दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। 5 लाख ही एडवांस देंगे सर? ओके सर, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले सिर्फ 100 फोन्स ही ऑर्डर करेंगे, लॉन्च करके पब्लिक के रिस्पांस देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, सच कह रहा हूँ, आप इंसान के रूप में देवता लग रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन कर देते हो तो एडवांस रेडी है मेरे पास। सर क्या है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल शो यू समथिंग। लोगों से लैपटॉप लोगे तो चपाती बेलने की मशीन फ्री। सच में 6 महीने से लिया हुआ लैपटॉप अब मैं चपाती बनाने के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि इससे यही काम होता है। इस लैपटॉप के ऊपर आप चपाती बेले तो पतली बनती है, वो भी बिना वायरस के। आपको साफ सुथरी वायरस फ्री चपाती मिलती है। ये ऑफर 1 हफ्ते तक ही है, जल्दी कीजिए वरना आप बाद में पछताएंगे। तो तुम्हारी फैक्ट्री का एड्रेस क्या है? सर रिची स्ट्रीट सर। लैपटॉप देने के बजाय तुमने उन्हें चपाती बेलने का चकला दे दिया, तो जब तुम मुझे फोन बेचोगे तो क्या झाड़ू दोगे मुझे? बोलो। नहीं देंगे सर। क्या? उसके लिए आप होना सर। ए, चल जा, बड़ा एडवांस देने वाला, चल निकल यहाँ से। तू मुझे खरीदेगा, तू मुझे खरीदेगा। अबे तुम जैसे लोगों को मैं अपने घर में नौकर भी नहीं रखूंगा। चल हट, निकल यहाँ से। ए, यहाँ पर क्यों आया तू? कुछ बोलेगा शक्ति? अरे कहाँ जा रहा यार, कुछ बोल तो सही शक्ति। हेलो, मेरी बात सुन, कुमुदनगर पुलिस स्टेशन का आदमी याद है ना? हाँ, 2 गुंडे अरेस्ट होने वाले हैं, उसको रिपोर्ट कर देना। हाँ। अरे 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 अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? हाँ, लैपटॉप के ऊपर चपाती बनाने आया हो? 3 महीने से दिन रात मेहनत कर मैंने एक मोबाइल का डिजाइन बनाया था। वो डिजाइन फाइनल हो गया था, एडवांस मिलने ही वाला था, मगर तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी तकलीफ का जिम्मेदार कौन है? कौन है? तू है। मैं हूँ। डब्बा लैपटॉप बेचते हो, फ्रॉड हो तुम। तारा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, टॉपर हूँ। अभी 25,000 रुपए भरने हैं फीस के लिए, लेकिन भर नहीं सकती। तुम्हारा वो बकवास लैपटॉप, सारी चीजें छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ मैं। हाँ, भगवान ने सही किया, तुम्हारी अकड़ कम करने वाला एक मैं ही हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझसे मिलाया। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट में तुम पर केस चलाती हूँ। जेल की हवा खाओगे तब अकड़ ठिकाने आएगी। मैं भी केस कर सकता हूँ। लैपटॉप के बॉक्स पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है हैंडल विद केयर। मैं बोल सकता हूँ तुमने उसका रफ यूज किया। तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं तो दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल मेरा ही बिकता। छह, कोई फल वाला भी तुमसे मोबाइल नहीं खरीदेगा। चलो निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट जस्टिस। तुम्हें फोन करके बताना होगा कि वो फेसबुक का वीडियो झूठा है और शक्ति बहुत टैलेंटेड है, ऐसा बोलो। बोलती हूँ ना, कमिश्नर को फोन लगाती हूँ और तुम्हारे बारे में बता देती हूँ। ये क्या करिए? अरे मेरा फोन दे। फोन? अरे पागल है, सुन। अरे ए, अरे मेरा फोन क्या कर रही है? ए, मेरा फोन। दो इधर। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या हुआ? अपने प्रोजेक्ट के लिए लाई थी,
लाफिंग गैस निकल गई काम से ये सब क्या है तू क्या करती है यार अबे समझ भी नहीं हंस रहे हो या फिर रो रहे हो क्या हा? यार कुछ बोलो भी कब से चिल्ला रहा हूँ बोलो ना कुछ नहीं किया अरे यार तूने तो लाइफ बर्बाद कर दी मेरी समझ भी नहीं आ रहा सुनिए मैडम मेरा दोस्त अंदर है क्या अरे यार मुझको भी अंदर बुला ले चले जाओ यहाँ से चले जाओ तुम यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ पहले मैं बहुत मुसीबत में हूँ चले जाओ यहाँ से उसका भी प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया सबका प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया जाओ अरे इस लड़की ने हमें बर्बाद कर दिया इसको तो जान से मार देना चाहिए तू भी कुछ काम का नहीं है तेरी तो अबे कुछ काम का नहीं है तू बर्बाद हो गया क्या हाँ यार अब क्या कर सकते हैं ए शक्ति अब देखते हैं क्या होता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो अगर इंजीनियरिंग कर लिए होते तो फिर अभी अच्छे से रहते ना पढ़ाई छोड़ दी तभी तो ये हालत है ना तुम गौतम हो ना ठीक तो हो क्या कहा तुमने डिसकंटिन्यू किया है मैंने इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा ऐसा किसी ने कहा था और उसकी बातों पर यकीन करके घर से 80 किलोमीटर दूर कॉलेज में एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग की ये टफ पढ़ाई 4 साल का कोर्स सुबह से शाम तक मेहनत करना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती दुनिया में सब कुछ भुला कर घर से कॉलेज कॉलेज से घर बस यही हमारी जिंदगी का मोटिव बन जाता है यहाँ तक कि किसी लड़की से भी बात नहीं कर सकते बात करने पर फाइन लेट आने पर फाइन कॉलेज में हर चीज पर फाइन यहाँ तक कि सोचने पर भी फाइन सांस लेने पर भी फाइन इन सारी मुसीबतों के बाद एक नई मुसीबत की क्लास कौन लेगा हमारा ही सीनियर अगले साल हमारा टीचर बनकर हमारी क्लास लेने के लिए आ जाता है खाली इतना ही नहीं M1 M2 सारे मैथ्स पेपर को सॉल्व करो और किसी पेपर में बैक लगी तो रिवॉल्यूशन के लिए फिर से एप्लीकेशन भरो कैसे भी करके बस एक बार हमें पास होना होता है इतनी सारी मेहनत करके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाकर हमारा मोटो होता है कैसे भी एक बार इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाना और एक अच्छी सी जॉब पाना TCS CTS इंफोसिस जैसी कंपनी में इन सब के बावजूद हम नौकरी रहते हैं ये देखो मेरी दुकान है मैं इसका ओनर हूँ मुझ पर यहाँ कोई भी HR मैनेजर हुक्म चलाने नहीं आता मैं खुद अपना बॉस हूँ दीपावली होली पर तुझको तो छुट्टी लेनी पड़ती है पर मेरा रोज हॉलीडे है जो मन चाहे वो करता हूँ लेकिन ये सब तेरे बस की बात नहीं है पर मैं तुझे क्यों बोल रहा हूँ तू तो हमेशा वैसा ही बनकर रहना चाहता है ना एक लेबर की तरह मैं हूँ ओनर और वो भी है एक ओनर कुछ समझा कि नहीं उसको एक सेंट की बोतल देके भेज दे चल जा ए हमें उससे 23,000 रुपए लेने काम किया है पैसे तो लेके रहेंगे पैसे तो चाहिए यार ये क्या है आप नहीं रहते तो वो कैमरा वाला बार बार घर में आता है बार बार ऊपर जाकर पता नहीं क्या करता है मैं देख लेता हूँ मुझे वो लोग सही नहीं लगते हैं जो भी है उनके साथ बात करके खत्म कर दो नमस्ते सर आपका मैटर सॉल्व हो गया आंटी और 5,00,000 रुपए मांग रहे हैं हाँ बेटा आपका काम हो जाएगा आंटी ठीक है हो जाएगा ए तेरे साथ यहाँ पर आकर सब फैमिली की तरह हो गया है ये स्कूल खोलने के लिए परमिशन मांग रही है और वो लोग इससे 50,00,000 मांग रहे हैं पब्लिक इतने रुपए रिश्वत में देती है इसीलिए LKG के एडमिशन में भी डोनेशन लगता है ये जो बैठा है ना HRS कॉलेज का ओनर है इसके कॉलेज में लड़का लड़की आपस में बात तक नहीं कर सकते बस में भी एक साथ बैठकर नहीं जा सकते ऐसे रूल्स बनाए हैं इसने हर चीज को पैसे में तोलता है ये इसकी वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था अच्छा हाँ इतना पैसे वाला है तो हमारे पैसे देने में उसे क्यों तकलीफ हो रही है ए CCTV तुम लोगों को अंदर बुला रहे हैं चलो चल ए किससे पूछकर तुम लोग ऊपर गए थे वो क्या है कि बहुत बार फोन किया मगर गया सर हम तो सिर्फ लड्डू देने ऊपर गए थे वो कुछ नहीं हमने जो काम किया उसके पैसे मांग रहे हैं क्या काम किया अरे वो CCTV कैमरे का काम किया था कब पिछले हफ्ते आपको बिल भी दिया था ठीक है अगले हफ्ते आके लेके जा मुझे पैसे अभी चाहिए अभी चाहिए तुझे रुक जा देता हूँ हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ जीजा जी क्या आप इस वक्त पार्लियामेंट में हैं बहुत अच्छा जीजा जी असल में दो लोग आए हैं CCTV के बिल के लिए बात कर। हाँ उन्हें वहाँ भेज दूँ हाँ क्या मरवाएगा तू आप दिल्ली में हैं हाँ बिल तो दिया है ठीक है
मैं समझा देता हूँ। तुझे बिल चाहिए ना, जा दिल्ली जाके ले ले, जीजा जी वहीं है, जा चल जा चल, निकल यहाँ से, देख बाहर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट खड़ी है, जा चढ़ जा उसमें, चल निकल निकल, चल यहाँ से निकल, अभी माहौल ठीक नहीं, हम बाद में पैसे ले लेंगे, तू टेंशन मत ले। बाइक कहाँ गई? मैं रुका हूँ। हमारी बाइक कहाँ गई? सर आपने ब्लैक कलर की बाइक देखी क्या? बाइक? हाँ मैंने तो नहीं देखी, तुमने देखी है क्या? अरे वो गाड़ी यही कहीं होगी, मैं बाद में तुमको दे दूंगा। लेकिन मेरी बाइक कहाँ है? तो ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये गलत है, मेरी बाइक पीछा हो, जा जा जा, चलिए अभी तक दिल्ली नहीं गया, फ्लाइट रुकी है, जा जा जा, चलो। कुछ तो करना ही पड़ेगा, इन लोगों ने 23,000 का नुकसान किया है, पैसे तो वसूल नहीं पड़ेंगे। क्या करेगा? इनकी कार जला दूं? कार का इंश्योरेंस होगा, नहीं मिल जाएगी उसे। तो उसी को जला देता हूं। तू जेल में जाना चाहता है क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकता। ए, शक्ति, ए, बात तो सुन। तुम अपना कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंसी कर लो। सर डेडलाइन में थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दीजिए, मैं कैसे भी करके पैसे अरेंज कर दूंगा सर। तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, कल एग्जाम है और आज एक्सटेंशन मांग रहे हो, बाद में क्या तुम्हारे पीछे पैसों के लिए दौड़ते रहेंगे? सर चाहिए तो मेरी डिग्री होल्ड पर रख दीजिए सर, मैं पैसे दे के डिग्री ले लूंगा सर। ये सब प्रोसीजर में नहीं है, पैसा भरोगे तो ही हॉल टिकट मिलेगा तुम्हें। सर ये कैसे प्रोसीजर है? हॉल टिकट के लिए एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे? हम लोग तो सिर्फ 25,000 ही लेते हैं, जबकि दूसरे कॉलेज तो 35,000 से ज्यादा ले लेते हैं। उस दिन जब गवर्नमेंट वाले सील करने आए थे तब तुम लोगों ने आकर क्या किया था? तुम लोग सब चुप थे, सब गेट के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, है ना? कंप्यूटर नहीं तोड़ा, पत्थरों से कांचों को नहीं तोड़ा। सर ये सब हमने नहीं किया, तो किसने किया? जिसने किया है आप उनसे पैसे वसूल कीजिए ना। अच्छा अब पुलिस वाला काम हम लोग करें? कल एग्जाम शुरू होने तक तुम्हारे पास टाइम बचा है, बेकार बहस करोगे तो डी मार्क लगा दूंगा। सर आपसे पूछ लिया तो आप हमें डरा रहे हैं, किसी और की गलती के लिए आप हमें डी मार्क देंगे? कार पार्किंग में तुम लोगों को गलत पोजीशन में पाया गया, ऐसा बोल दूंगा मैं? डीमार्क लगाने के लिए इतना स्टेटमेंट काफी है, चलो जाओ। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, बार बार सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं। कहते हैं 25,000 रुपए ले आ, नहीं तो एग्जाम के लिए हॉल टिकट नहीं देंगे। एग्जाम नहीं दे सकता ऐसा कहते हैं सर। कौन सा कॉलेज? तारा इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरे पिताजी उधार लेकर सब्जी की दुकान चला रहे हैं सर, वो इतने पैसे कहाँ से देंगे? अब इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा सर? मैं क्या करूँ सर, मेरी मदद कीजिए। वो तुम एक कॉल करना है, आपका फोन मिलेगा सर। हेलो। हेलो पिताजी, एग्जाम में बैठने के लिए 25,000 मांग रहे हैं। hey, मैं 25,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊंगा? तुम्हें मेरी हालत पता नहीं है क्या? सिर्फ एक बात पिताजी, प्लीज पिताजी। hey, जो बोल रहा हूँ समझना, हम जैसों के लिए वो पढ़ाई आखिर किस काम की? ऐसी पढ़ाई पैसे वालों के लिए होती है। तू यहाँ आकर अपनी दुकान संभाल ले। पिताजी एक बार भेजिए प्लीज पिताजी। मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, बार बार वही बात दोहरा रहा है, चल फोन रख। पिताजी पिताजी पिताजी। थैंक यू सर। इट्स ओके। हेलो भैया, अभी फोन पर जिसने बात की ना, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। गुस्से में उसके पिताजी ने कुछ बोल दिया। मैं कल सुबह की पहली बस पकड़कर पैसे भरने के लिए आ रही हूँ, अगर वो आपके बाजू में है तो जरा उसे फोन दीजिए ना। रुकिए अभी देता हूँ फोन उसे। ए सुनो, ए ए भाई। बेटा बेटा तुम सुन रहे हो ना? एक मिनट रुकिए, मैं उसे फोन देता हूँ।
देना उसे फोन। भैया क्यों किया बेटा, पैसे लेकर आ रही थी ना, तू रुक नहीं सकता था क्या? मैं अकेला छोड़कर क्यों चला गया बेटा, ऐसा क्यों किया बेटा, मेरा बेटा ऐसा क्यों किया तूने? इसलिए जब तक इन सबको बिल्कुल सही नहीं कर दिया जाता तब तक मेरा आदेश है ये कॉलेज बंद रहेंगे। नाले यार, उन्हें बोलना कि तारा इंजीनियरिंग कॉलेज से नंदमुनि आया है, ये उन्हें पहुंचा दो। तारा इंजीनियरिंग कॉलेज का नंदमुनि आया है, उसने ये लड्डू दिए हैं। क्या है ये भाई, बहुत कम लग रहे हैं ये तो है? बार बार सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं, एग्जाम नहीं दे सकता ऐसा कहते हैं सर। कौन सा कॉलेज? तारा इंजीनियरिंग कॉलेज। तारा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, टॉपर हूँ, अभी 25,000 रुपए भरने हैं। क्या नाम है? आशा। फीस के पैसे दीजिए। सर हो गया क्या? ये लो। हाँ ठीक है ना? ठीक है। आशा मैं अभी हमारे कॉलेज में हूँ। हाँ तो शक्ति तुम्हारी कॉलेज की फी भरकर जा रहा है। मैं तेरा कॉलेज में ही इंतजार कर रही हूँ, तू जल्दी आ जा, देर मत कर। आज गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, मैं गाड़ी ले जाऊंगा, तुम्हारे जो भी पैसे बनते हैं मैं भर दूंगा। ठीक है? अब चल, अरे जल्दी चल। अबे अब हम कहां जाएंगे भाई? एक घंटे में मैं आता हूं। ठीक है? देख यार ठीक से चलाना, कहीं गाड़ी ठोक मत देना। हाँ चुपचाप बैठा रहे। अरे यार शक्ति हम किस तरफ जा रहे हैं, मुझे कुछ बताएगा भी? अबे उस तरफ गोल्डन बीच वाला रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट खुला होगा क्या? ये क्या चीज है यार? एक कैमरा। इसको हम कैसे चलाने वाले हैं? जरा टैबलेट ऑन करना। ये
कहाँ से लाया? तारा इंजीनियरिंग कॉलेज से लाया। ठीक है जल्दी उतार। ठीक है सर। मैंने तुझे बोला था ना ये कॉलेज का स्टाफ है, ये दामू का सेक्रेटरी है। ये क्या कर रहे हैं? चुप बैठना। क्या हो रहा है यहाँ पर? मुंह बंद रख और देख। मैसूर की टमाटर निकाल रहे हैं ये। इतने नोट गड्डी पे गड्डी। अब आया समझ में? ए, सारे पैसे गिन के रख दे। इनका फेस नहीं दिख रहा है। कैमरा ऊपर कर कैमरा। थोड़ा और अब नहीं हो रहा है ना यार। बैटरी लो होगी। इतने से हमारा काम हो जाएगा क्या? अरे चेहरा देखेगा तभी तो काम होगा ना। यस, काम हो गया। हेलो, वो आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया था, उसके पैसे चाहिए थे हमें। वो कब आए लेने के लिए? ए, फोन रख। ढक्कन कहीं का। मैं सब हाँ। पैसे बराबर से गिन ले, हिसाब में लिख दे। हाँ। जीजा जी को भेजने, होशियारी से। हाँ। समझा? कुछ बताएगा तू क्या करने वाला है? ये पढ़। तारा इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के ने सीट ना मिलने पर रेलवे वायर पकड़कर खुदकुशी की। ये कौन है यार? इसे जो तू देख रहा है ना, मेरी आंखों के सामने मरा है, और इसकी मौत का कारण देवराज है। देवराज स्टूडेंट के सपोर्ट के नाम पर पहले कॉलेज बंद करवाता है और कॉलेज के ओनर से पैसे वसूल करता है। इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा फीस के नाम पर ये स्टूडेंट को चूना लगाता है, और किसी को डाउट ना हो इसलिए लड्डू के जरिए रेट फिक्स करता है। लड्डू? एक लड्डू 1 करोड़ रुपया। ए, हम लोग उस दिन 10 लड्डू लेकर गए थे, मतलब 10 करोड़ रुपए। इसी के लिए मारा गया। ए, तुरंत पुलिस या सीबीआई को इन्फॉर्म कर देते हैं, ये पक्का जेल जाएगा। सीबीआई को दिया तो पब्लिक नहीं जानेगी, लेकिन पब्लिक को देंगे तो सीबीआई भी जानेगी। फैली सनसनी सारे शहर में, चप्पे चप्पे पे भाई, पहली नजर है सुनी डगर है, कुछ न कही हो जाए। Welcome to CNN IBN Flash News Office Hall. मिनिस्टर देवराज के खिलाफ चार्ज शीट फाइल हुई है और 9 दिसंबर के पहले कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। उन्हें कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। मैं उस देवराज के ऊपर घोटाले का केस दायर करूंगा। मैं सीधे हाई कोर्ट जाऊंगा और जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ देता तब तक केस लड़ूंगा। डगर है कुछ न कही हो जाए, दहशत सी है घुली हवा में, दम घुटता है ऐसी फिजा में। हाय, कह दो भ्रष्टाचारियों को बाय 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 बाय, कर दो अत्याचारियों को बाय 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 बाय। अब जागी 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 है चेतना, अब होगा परिवर्तन देखना, अब धधक चुकी है ज्वालामुखी, देखो चारों तरफ क्रोध आंधी उठी, अब खैरियत है किसी की नहीं, थमेगा अब ना रुकेगा, देखो। होश में आओ, नींद से जागो, अब से ये न चलेगा। हेलो सर, हेलो सर, थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ सर, प्लीज आई विल प्रूव सर, मैं सच बोल रहा हूँ। हेलो सर, सर क्या?
क्या हुआ सर? कुर्सी छीन ली मेरी। जागा कानून है अब भागेगा पूरा बंदारे। क्रांति की है मशाल जो जन जन में है चली। क्रोध का जो है तूफान थमेगा अब न रुकेगा रे। फिर से अब बेमिसाल होगी जिंदगी रे। ए, पता है मैटर क्या है? उस देवराज की कुर्सी जाने वाली है। क्या यार, इतना सब होने के बावजूद भी तू चुपचाप बैठा हुआ है? यार सच्ची में वो बेवकूफ है। अगर वो हमारे 23,000 रुपए मुंह पे मार देता तो उसकी कुर्सी बच जाती ना। सर, ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है करके आपने कॉलेज बंद करवाया था। फिर आपने उसी कॉलेज ओनर से रिश्वत ली, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई है, मैं उन सबको जवाब दूंगा, खुद को बेगुनाह साबित करूंगा और फिर मैं आप सबके सामने वापस आ जाऊंगा। नमस्ते। देवराज के साले गुना का आज यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें वो साफ नजर आ रहे थे कि उनके हाथ में बहुत सारी नोटों की गड्डियां थी। पर ये वीडियो किसने शूट किया है ये बात अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आ पाई है। इस सबूत के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि देवराज कम से कम 500 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ले चुके हैं। तत्कालीन सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें उनके पद से निरस्त कर दिया है। किसने ये आग लगाई है? उसकी वजह से पूरा शहर जल रहा है। सुनो ध्यान से, उसे भयंकर मात मारो। साइबर वालों से पता करो कि उसने कहां से अपलोड किया था। बात करके देखा था, अभी आप कुर्सी पे नहीं है ना, इसलिए वो लोग मना कर रहे। कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है ना, कुर्सी नहीं है तो जांच नहीं करेंगे? ठीक है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना, तो मैं उसे मारूंगा। ए, क्या काम किया था तुम लोगों ने? अरे वो सीसीटीवी कैमरे का काम किया था ना। कब? पिछले हफ्ते। आपको बिल भी दिया था। ठीक है, अगले हफ्ते आना, मुझे पैसे अभी चाहिए। ये तो भाषण दे देंगे लेकिन फंसेंगे बेचारे स्टूडेंट। कॉलेज के नाम पे पैसा पास कराएंगे, कॉलेज के नाम पे पैसा बनाएंगे। सर लेकिन हमारे पैसे। हेलो, वो आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया था, उसके पैसे चाहिए थे हमें, वो कब आए लेने के लिए? टॉमी, क्या हुआ तुझे? भूख लगी है? रुक जा, कुछ लाता
वीडियो डाला था ना। मेरे जीजा जी की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी है। पता क्यों किया तूने ऐसा? तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैंने कितना फोन किया, कहाँ थे तुम लोग? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जीजा जी कहाँ है? और कोई रास्ता नहीं था इस केस को खत्म करने के लिए। जल्दबाजी कर दी जीजा जी। जिसने वो वीडियो बनाया था और फेसबुक और ट्विटर पर जिसने अपलोड किया था उसी के बारे में बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। कौन है वो? बता मुझे कौन है वो? अरे मैं तुझे बचाऊंगा, अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। बता मुझे कौन है वो? अरे बताना मुझे। ए, ए, सारे बता, ए, बताना। नहीं बताऊंगा, तेरे जैसे को सजा मिलनी ही चाहिए। बता मुझे। एक यूजर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर फेसबुक और ट्विटर पे होशियारी से वीडियो अपलोड करके एचआरडी मिनिस्टर देवराज को रिजाइन करने पर मजबूर कर देता है। आखिर ये है कौन और ये इसने किया कहां से? इंडिया से या अब्रॉड से? सपोज इसे सक्सेसफुल मानते हुए उन्हें पकड़ लिया जाता है तो उसे मिस्टर देवराज जैसे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स मिलेंगे। सो बॉयज, वी आर नॉट गोइंग टू मिस इट। अरे अरे रुको रुको, अरे अरे देखकर जा। ए अजीब पागल लोग हैं ये। अरे आईटी में काम करते हो, इतने पैसे कमाते हो, पार्टी में पीने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हो, वहाँ भाव नहीं करते, यहाँ आकर भाव करते हो। अरे तुम लोग आईटी नहीं, आइटम हो आइटम। भाई, मेरी बात सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ। भाईजान आप क्या सोचते हैं कि आईटी का काम बड़ा आसान होता है क्या? आप ही नहीं, हर कोई यही सोचता है कि पार्टी करना, लड़कियों के पीछे घूमना, फॉरेन जाना ही आईटी वालों का काम होता है। नो नो नो, ये काम बहुत टफ है भाई। आईटी कंपनी में काम करने के लिए कॉलेज में जाकर कैंपस इंटरव्यू आदमी फेस करता है, उसके बाद खुश होता है कि अब मेरी जॉब लग जाएगी। जॉब लेटर आने में 6 महीने लग जाते हैं, लेटर आने के बाद भी जॉब को ज्वाइन करते करते उसे पूरे 1 साल लग जाते हैं मेरे भाई। अब 1 साल तो खाली बैठना पड़ता है ना, सही कह रहा हूँ ना? तुम अपनी दुकान में 1 साल खाली बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ सकते हो ना? 4 साल 15 साल तक ऑफिस में टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, एचआर सबको खुश करना पड़ता है। वो सब कूट कूट कर हमसे काम लेते हैं, साल भर हमारी पिसाई होती है, साल के एंड में अप्रेजल के नाम पर वो लोग कूट कूट कर हमसे काम करवाते हैं। कॉन्फिडेंस मर जाता है। जितनी आसान लाइफ लगती है उतनी होती नहीं है।
माँ बाप के पास भी जाने का हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है भाई। यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चे को देखने में किसी किसी को 6-6 महीने लग जाते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस वजह से लोग नशा करने लगते हैं। वैसे नशा कौन नहीं करता? आप नहीं करते, मैं नहीं करता, या फिर ये नहीं करता। यहाँ किसकी जिंदगी में टेंशन नहीं है भाई। फिर भी भाई कमिटमेंट। आपके घर वाले, मेरे घर वाले महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं, उसमें से भी 2,000 रुपए बचा लेते हैं। एक आईटी वाला महीने में 1,00,000 रुपए कमाता तो है, पर महीने के एंड में 2,000 भी नहीं बचा पाता। क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग बिल, कार लोन में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। आईटी वालों की लाइफ टफ है, वो लोग पैसे पेड़ से नहीं तोड़ते हैं। समझ में आया ना भाई? अरे भाई तुमने ही तो बताया था। हाँ, मैंने बताया था। हम आपस में मस्ती मजाक करेंगे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ कोई मजाक करेगा तो हम पूछेंगे ना सर। इंडिया में वेब टीम में वन ऑफ द बेस्ट ये लोग हैं। सर, ही इज एक्सेसिंग थ्रू अ म्यूचुअल प्रायोरिटी नेटवर्क दैट इज फ्रॉम डिफरेंट सर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा बताओ कि समझ में आए। सर, ये नेटवर्क एक देश से दूसरे देश में घूमता रहता है सर, जैसे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका, अफ्रीका से कंबोडिया, कंबोडिया से पाकिस्तान। क्या ये सब उल्टी सीधी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम ये पता करो प्रेस वाला कौन है, ये सब लिखने वाला कौन है। जब ये सब पता चल जाएगा तो हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, प्रेस में आग लगवा देंगे, उसकी गुंडागिरी नहीं चलने देंगे। तुम उसे ढूंढ सकते हो या नहीं ढूंढ सकते हो? सर, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। सर, मैंने उसे ढूंढ लिया। क्या तुम श्योर हो? इट्स टू सिंपल सर, उसने अपने राउटर को बहुत डिफरेंटली एनक्रिप्ट किया हुआ है। सभी कंट्री से पिंग होता है 1 सेकंड में, लेकिन इंडिया से उसे 0.2 सेकंड्स लगते हैं। सर, जैसे ही ये कंप्यूटर उसके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा तो हमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जस्ट 3 more minutes। It's getting connected. Just 30 seconds. Seconds more. 10 seconds. Just 5 seconds more. टॉमी, क्या कर दिया? ओहो, सारी वायर इसमें फंसा दिया। रुक, ए, हाँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज, मिस्टर के साले ने ये कन्फेस कर लिया है कि हाँ, उसकी पोस्ट जाने का कारण वो खुद है और वो सुसाइड लेटर लिखकर रामेश्वरम चला गया है। तू बस देखते जा, बस 2 हफ्तों के अंदर ही स्पेशल पुलिस फोर्स बनेगी और देखना कहीं से भी उस आदमी को ढूंढ निकालेगी। हाँ, हम लोग फालतू में नहीं फंसेंगे। हे, तूने नया आईफोन खरीदा? हे, क्या हुआ शक्ति? मिनिस्टर का वीडियो तुम लोगों ने बनाया है, मैं जानता हूं, मैसेज आया है। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो कोई नहीं जानता था। हम आधे घंटे में अगर ताम्बरम रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे तो वो मिनिस्टर को बोल देगी ऐसा लिखा है। कौन है यार ये? कुछ बोल भी, अब तेरी वजह से मुझे भी भुगतना पड़ेगा। वो हमसे क्या चाहता है ये तो जान ले। मैसेज किया था। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे फंसाना चाहती हो। शक्ति, क्या मेरे पास प्रूफ है? क्या क्या प्रूफ है? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मिनिस्टर के एमएमएस में तुमने अपने गारंटी के बारे में बात की है, तभी मैं समझ गई
ये तुम्ही ने किया है। तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए यहां नहीं बुलाया। आओ मेरे साथ। देवराज की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंपस इंटरव्यू पास होने पर भी कॉलेज मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं भर पाए, सो फाइनल एग्जाम भी नहीं दे पाए। शायद आज इसकी जगह मैं भी हो सकती थी, लेकिन तुमने मेरी फीस भर दी। मैंने तुम्हें यहां थैंक्स बोलने के लिए बुलाया था। क्यों मेरे भाई, यहाँ का खाना तो टेस्टी है ना। अरे सुनो सुनो, ये प्लेट साफ नहीं है, वापस लाओ। yes, साफ sir. वाली सर, नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर? ओके सर। कार्ड नहीं चल रहा सर, कैश देते तो अच्छा होगा। चेक चलेगा क्या? चेक नहीं लेते सर। यार हम पैसे वाले लोग हैं, हम कार्ड रखते हैं, कैश नहीं रखते। एमएक्स चलेगा? नहीं सर। सिटी बैंक? नहीं सर। सिटी यूनियन बैंक? नहीं सर। कॉल योर मैनेजर। सर ये आपको बुला रहे हैं सर। सर ये मशीन कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ओके सर। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। 2011 में अन्ना यूनिवर्सिटी से सिंपोजियम जीपीएस बेस्ड अलर्ट सिस्टम में स्टूडेंट अवार्ड तुमने ही लिया था ना। सीनियर आप गोपी है ना, आप इस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, हम सोच रहे थे कि आप बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। ये सब करते हुए तो मुझे अब बहुत वक्त बीत चुका है सर। सिर्फ डिग्री होने से पेट नहीं भरता है सर। यहाँ 10 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 12,500 सैलरी, जो कि काफी है। थैंक्स फॉर कमिंग सर। गोपी गोपी। यस सर। अपना नंबर देना प्लीज। 9889884853681। जो पार्ट रिपेयर हो सकता है उस पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन के हर पार्ट अलग हो सकते हैं। शक्ति ने कुछ इस तरह इस फोन को डिजाइन किया है। शक्ति ने इस फोन का नाम ऑरेंज रखा है। ऑरेंज? पैरी का नाम नहीं बदलूंगा मैं। ए, न्यूमरोलॉजी सही नहीं है ना, इसलिए उसका नाम ऑरेंज रखा है। इसके बोलने के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है अपना काम हो जाएगा। ये कस्टमर केयर, क्रेडिट कार्ड, लोन देने वाला ही काम होगा, वैसे ही कुछ लग रही है। ए, वो अपनी कंपनी की पार्टनर है, इज्जत से बात कर। वो अंबानी की फैमिली है और तू हरभजन सिंह है, जो दोनों मैच खत्म होने के बाद प्यार से गले मिलेंगे। हमेशा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए और हार्ड वर्क तो हमेशा जीत तुम्हारी ही होगी, यही हमारी कंपनी की टैगलाइन है। सर प्लीज कंसीडर अस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मिस्टर शक्ति, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर आइडिया टू बिल्ड दिस पर्सनलाइज्ड मोबाइल फोन, लेकिन मुझे अपने बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर 10 दिनों में 5 प्रोटोटाइप रेडी हुआ तो ISO वेरिफिकेशन होते ही we can sign the deal. Sure sir. 100%. Congratulations. Thank you sir. Thank you very much. शक्ति अपने टैलेंट से बहुत बड़ा आदमी बनेगा सर, वो बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था सर। अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी दे दें तो इसके साथ साथ इसके टैलेंट का आपको भी फायदा हो सकता है। I like your confidence. I'm sure he'll succeed. Thank you sir. हमारी लाइफ रिची स्ट्रीट की 10x10 कमरे में कैद हो जाएगी ये सोचा था, लेकिन देख कहां पहुंच गए हम। उस लड़की की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली है। प्लीज यार किसी और चीज में कॉन्सेंट्रेट मत करना, पूरा ध्यान सिर्फ काम पर लगाना। सच में यार ये लड़की हमारे लिए बहुत लकी है। किस लिए? बेंगलोर की एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से वर्क फ्रॉम होम ऐसा ऑफर आया है। उनके दिए हुए डेमो प्रोजेक्ट को मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसके लिए थैंक्स। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और ना ही तुम्हें जॉब दिलवाया, तो फिर थैंक्स किस लिए?
अगर तुम मुझे नया लैपटॉप ना दिलाते तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता और मेरी नौकरी भी कंफर्म नहीं हो पाती। उस बात के लिए अगर तुम मुझे थैंक यू कह रही हो तो वैसे थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे बिजनेस माइंड दिया है, नहीं तो मेरे प्रोडक्ट का पता नहीं क्या हो जाता। कॉन्ग्रेट्स नहीं बोलोगे? अरे हाँ, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। जॉब तुम कब ज्वाइन करोगी? मंडे को इंटरव्यू है, आज रात ही बेंगलोर जा रही हूँ। ओह, तुम्हें जाना जरूरी है? क्यों? उस कंपनी का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, अच्छा काम किया तो एक साल में न्यूयॉर्क भेज देंगे, अच्छी ऑफर है, अच्छी कंपनी है, तो ना जाने का कोई सवाल ही नहीं। मैं भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। व्हाट? इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं और जहाँ तुम जा रही हो वहाँ लड़के तुमसे दोस्ती करेंगे, तुम किसी को पसंद आओगी और वो तुम्हें प्रपोज करेगा। मैं चाहता हूँ अगर कोई तुम्हें प्रपोज करे तो तुम उससे कह देना कि तुम किसी और से प्यार करती हो। I have fallen in love with you, Asha. मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कल बोलती हूँ, ऐसा बोलकर मैं चली नहीं जाऊंगी शक्ति। मैं बहुत ही क्लियर हूँ, मुझे प्यार व्यार शादी ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें मना करने के लिए मेरे पास कोई फ्लैशबैक भी नहीं है और अपने आप को देखो शक्ति, हाँ दिखने में कितने स्मार्ट हो तुम और कितना टैलेंट है तुम में। कल तुम्हारा ऑरेंज प्रोजेक्ट हिट हो जाएगा तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे और तब मैं जस्ट एक पासिंग क्लाउड बनूंगी। जल्दबाजी कर रहे हो तुम। तुम मुझे घर तक ड्रॉप करोगे या फिर यहीं पर ऐसे ही छोड़ दोगे? अरे लाइट नहीं है। पता नहीं लाइट को क्या हुआ है। मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। अरे यही तो रखी थी, कहाँ की? क्या देख रहे हो? अगले 20 साल के बाद बाल सफेद हो जाएंगे और हम बुड्ढे हो जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना आशा? डराओ मत शक्ति। बीपी बढ़ जाएगा और शुगर भी बढ़ जाएगी, बहुत बीमारियां होगी। ऐसे वक्त जब तुम्हें डर लगेगा और तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा तब तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी तो मैं SMS कर दूंगी। तब तुम्हें रिप्लाई देने के लिए मेरा बेटा होगा, वो कहेगा सॉरी आंटी। I'm so late. Oh, शक्ति एक मिनट। हाँ शक्ति, तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मेरा ट्रेनिंग पीरियड 1 महीने का है, तब तक तुम इन पौधों को पानी दे सकते हो प्लीज? वैसे यहाँ पे नित्या रहती है लेकिन वो मुंबई चली गई है। प्लीज। प्रपोज करते ही तुमने मुझे काम पे लगा दिया। थैंक यू, बाय। कल इंक्वायरी कमीशन है, वो सारे लीगल संभाल लेंगे सर, लेकिन वो वीडियो फुटेज बहुत ही स्ट्रांग है।
अगर कमीशन ने उसे ट्रू साबित कर दिया तो आपके अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे सर। Silence, please. Silence. Before this commission starts, please avoid any unnecessary commotion and disturbance. उन्होंने क्या कहा जरा मुझे बताना। हमारे नेता जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद। Mr. Devraj, we are here to assess the corruption charges against you with regards to the closure of 55 deemed universities across the country. ट्रायल शुरू होने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास सच बोलने का चांस है। सर, मैं देवराज चंद्र भारतीय संविधान की शपथ लेते हुए ये कहता हूँ कि मैं पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ एक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी देश की जनता के लिए पूरी निष्ठा भावना के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। ये शपथ मैंने ऐसे सबको सुनाने के लिए नहीं लिया था, ये मेरे दिल की आवाज थी और मेरा दिल हमेशा सत्य की राह पर चलना जानता है। मिस्टर देवराज, कम टू द पॉइंट। देखिए सर, हमारे देश में सच्चाई से ज्यादा र्यूमर की पावर है। मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं वो सब र्यूमर की वजह से ही है। आज पूरे इंटरनेट में अलग अलग चैनल्स पर किसने क्या किया, क्यों किया, ये बात मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है बल्कि राज्य की जनता के द्वारा चुने गए एक पॉलिटिकल नेता की बेइज्जती हो रही है। देश के विकास के लिए स्टूडेंट्स के हित में फैसला लेने वाला मंत्री रहा हूँ मैं। एचआरडी मिनिस्ट्री अप्रूव्ड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से जिनमें प्रॉपर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है उनके खिलाफ वार्न किया। प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके इसलिए मैं लड़ता रहा, लेकिन मुझ पर ये इल्जाम लग गया कि मैंने उनसे पैसे ले लिए। आज तक मेरे खिलाफ किसी और कॉलेज ने कंप्लेंट की है क्या? कंप्लेंट करेंगे तो तू छोड़ेगा क्या उसे? कंप्लेंट की बात करता है। स्माइल प्लीज। मैडम, मेरा और इस कंप्लेंट का कोई लेना देना नहीं है। मेरा बेटा प्लस टू में दो बार फेल हो चुका है, इस बार फिर से वो एग्जाम में बैठने वाला है। अब अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में सोचूं तो मैं उसे बिना कॉलेज भेजे ही ग्रेजुएट बना सकता हूं, लेकिन मुझे अपने पद का दुरुपयोग करना नहीं आता है, इसीलिए मैं एक पिता होकर हार गया पर मंत्री के रूप में कभी नहीं हारा। आपने रिश्वत ली है, इसका वीडियो प्रूफ है, उसमें आपका घर भी दिखाया गया है। उस वीडियो को कब किसने शूट किया है इसका कुछ जस्टिफिकेशन देंगे? उस वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा सकते हैं। कहां से आए हो तुम? तारा इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हूं। ठीक है, जल्दी उतारो, चलो जल्दी करो। सारे पैसे ठीक से गिन लो, जीजा जी को भेजना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, होशियारी से, समझा? उस वीडियो को बिना साउंड के प्ले करके दिखा सकते हैं क्या? वंस मोर प्लीज, विदाउट साउंड। कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो? तारापुरम से पार्टी का फंड लेकर आए हैं। ठीक है, अंदर ले आओ, ले आओ, ले आओ। लिप सिंह तो सही है ना? मैं कोई डबिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ, तारापुरम को तारा इंजीनियरिंग कॉलेज कह दिया है इसमें। पिछले महीने जो पार्टी फंड कलेक्ट किया था, पार्टी ऑफिस में पेंटिंग चल रही थी इसलिए उसे वहां न रखकर मेरे घर में लाकर रख दिया और बाद में बता दिया कि ये मेरा पैसा है। The commission will meet on 14th February for the final hearing. इस केस को देखकर लग रहा है ये फिर से मिनिस्टर बन जाएगा यार। इतनी मेहनत से सारे एविडेंस इकट्ठे किए थे यार, और उसने लिपसिंग का नाटक बताकर पूरे केस को आसानी से खत्म कर दिया। वो फिर से मिनिस्टर बन जाएगा यार, उसकी वजह से न जाने कितने स्टूडेंट्स फिर से मरेंगे। किसको फोन कर रहा है तू? गोपी, मैं शक्ति बोल रहा हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, क्या तुम मिल सकते हो? हाय गोपी। हेलो गोपी। What? तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या हुआ? वो क्या है कि हाँ
जीपीएस को हम लोग ट्रैक कर रहे थे। हमारे डिवाइस में फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो क्या हम तुम्हारा डिवाइस यूज कर सकते हैं? तुम कौन सा ट्रांसमीटर यूज कर रहे हो? C++, जावा, कंप्यूटर, हूप लैंग्वेज। ए चुप रहना, डेटा पुलर। ओ डेटा पुलर। मेरी नॉलेज ये कहती है कि ये पैसा साउथ इंडिया में नहीं है। अगर उस नोट पे पानी गिरा या उसे जलाएं तो ये सारे नोट फिर से डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे ना? हाँ सही कहा। गोपी और एक बात, कुछ दिन के लिए इसे ऑन रखना, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताना। ठीक है चलो। थैंक्स गोपी। एक्चुअली मुझे तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहिए। 4 साल से मटन चिकन बनाते दिमाग पक चुका है मेरा। मैं एक इंजीनियर हूँ और तुम लोगों ने मुझे याद किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। Hey, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सर अंडरग्राउंड है ना, इसलिए नेटवर्क नहीं है। कमाए हुए सारे पैसे लगता है केस में ही निकल जाएंगे। भाई अगर आपको कुर्सी मिल गई तो इससे भी ज्यादा कमा लेंगे आप, लेकिन सबसे पहले हमें इस केस से बाहर आना होगा भाई। Hey, इसे काउंट कर लिया क्या? Unavailable to take calls right now. हेलो गोपी, तुमने फोन किया था? हाँ शक्ति, उस जीपीएस की लोकेशन मिल गई है। जब तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं उस जीपीएस को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच गया हूँ। अभी ये फाल्कन कंपनी के अंदर गया है और कंटेनर में पैसा भरा हुआ है। मैं तुम्हें अपडेट देता हूँ। हेलो गोपी, गोपी गो के नोट पर हमने जीपीएस फिक्स कर दिया है। ट्रैक करके जब वो आपको फॉलो करेंगे, then you'll find your culprits। बेवकूफ समझते हो? तुमने जो 100 रुपए मेरे पैसों में डाला था ना, वो मैंने तुम्हें फिर से लौटा दिए। मुझसे चालाकी करते हो? हाँ?
मैं जानता हूं तू बहुत दुखी है, इसे कुछ नहीं होगा यार, मेरी बात मान। कुछ दिनों के लिए तू आशा के पास चले जा, तेरे लिए वो सही होगा, तू वहां पर सेफ रहेगा यार, और हम लोग भी सेफ रहेंगे। द 500 and 1000 रुपी नोट्स hoarded by anti-national and anti-social elements will become just worthless piece of paper. पिताजी, पिताजी, 1000 रुपए, 500 रुपए के नोट बेकार हो गए पिताजी, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। क्या बकवास कर रहा है? ऐसे चिल्ला रहा जैसे मधुमक्खी ने काट दिया। कागज का टुकड़ा है, नहीं चलेगा तो समुद्र में फेंक दूंगा। 10 घंटे ATM में खड़े होने वाला आम आदमी हूँ क्या? 40 सालों में दिमाग से कमाए हुए पैसे हैं ये सारे, एक रात में कानून बनाकर कोई ये पैसे नहीं छीन सकता। इसका उपाय मैं जानता हूँ, इन्हें किसके पास ले जाकर नए नोट में बदल देना है ये मैं जानता हूँ। नोटों का रंग बदल सकता है लेकिन मैं नहीं बदल सकता। अब जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो, मैं एक वैन भेज रहा हूँ, उसमें भरत आएगा, तुम ये सारे नोट उसमें ले जाओ, वो इन्हें नए नोट में बदल देगा। चलो निकलो। मुंह खोलो, गाड़ी के पेपर दिखाओ। रुको रुको रुको, पुलिस है यहां, तो पुलिस की चेकिंग चालू है। यू टर्न ले ले जल्दी। चल चल जल्दी। ये कौन है जरा देखो, बाइक वाले को टक्कर मार के जा रहा है, उसका पीछा करो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ये कहां आके फंस गए हो? शिट, ए लेफ्ट ले, अभी इधर से राइट लेना, राइट ले, राइट ले, राइट राइट। हाँ बोल यार। सारा प्रोजेक्ट ओके है ना? जल्दी से काम खत्म कर। हाँ अभी अभी मेरे उस CA से बात हुई है और उसने, एक मिनट। हेलो
आशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ए, हे, इंटरव्यू का क्या हुआ? Well, introduce yourself. I'm आशा सुब्रमण्यम. I completed my BE in computer science from Tara College of Engineering. After 20 years, what do you want to achieve? आज से 20 साल के बाद आप क्या बनना चाहती हैं? 20 साल बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी. दो चार बाल भी सफेद हो जाएंगे. What? बीमारियां लग जाएंगी. मैं मोटी हो जाऊंगी. अकेले रहने से डर लगने लगेगा. लेकिन मैं तब चाहूंगी कि वो लड़का मेरे साथ रहे. उसका ऑरेंज प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा. हमें लड़का हो या लड़की कोई बात नहीं, बस एक ही होना चाहिए. What nonsense you are talking? हनीमून नॉर्थ इंडिया में होगा. बच्चे के साथ वर्ल्ड टूर होगी. लाइफ एंजॉय करने के लिए साथ मिलकर खुशी से रहना चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. उस आदमी का नाम क्या है? शक्ति. आशा, उनके लिए मेरा जवाब शायद से नॉनसेंस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है. आशा, आई लव यू शक्ति. अरे ये तो रास्ता ही बंद है, अब क्या करेंगे? भाई मैं भी आता हूँ आपके साथ. नहीं नहीं, कोई उतरेगा नहीं, बैठे रहो. आशा, तुम जल्दबाजी कर रही हो. नहीं. इतना अच्छा जॉब तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था. आशा उसे ज्वाइन करो. नहीं आशा. नहीं मैं नहीं जाऊंगी. हेलो, पुलिस के डर से हमने रास्ता बदला, हम फंस गए. अब कहां से निकले हम? क्या है वहां पर? सामने एक दीवार है. और क्या है वहां पर? वहां पर एक थिएटर भी है. आसपास और क्या है बताओ? एक घर भी है यहाँ पर. तो फिर उस घर के अंदर चले जाओ. सब पैसे उस घर के अंदर रख दो और देखना कोई भी उस घर में ना आए. इस वक्त कौन आया होगा? शक्ति, ज्यादा बोला तो गोली मार दूंगा. ए, बैठ, बैठ. ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी. बैठ उधर. जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर. ए, उठना मत. उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर. ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की, गोली मार दूंगा दोनों को. बांध इनको, बांध. जल्दी बैग लेके आ, रख इधर. किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए. ए, जल्दी कर. ए, पुलिस यहाँ आती होगी. ये बोतल अपने साथ ही ले जा. हाँ. अगर पुलिस ने पूछताछ की तो बोलना मैं पीकर गाड़ी चला रहा था इसलिए भाग गया. चल जा जल्दी. चल चल. जा जा जल्दी. शक्ति ये सब क्या है? अच्छा चुप रहो, चुप चाप देखते रहो सब कुछ क्या हो रहा है. अगर तुम लोगों ने जरा भी होशियारी की तो याद रखना दोनों जान से जाओगे, समझे? और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अपना मुंह बंद रखना. शक्ति ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? आशा तुम शांत रहो, ये क्या कर रहे हैं हमें देखने दो.
कौन है देख? पिताजी कहाँ है पैसे? यहाँ तक पहुँचने के लिए 5-5 गाड़ियाँ बदलनी पड़ी मुझे, लगता है वहाँ CBI है। हे, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हैं? तुम्हें पता है इसमें क्या है? हे, ये पैसे गीले क्यों हो गए? हिफाजत से रखना था, अब सुखाना पड़ेगा इन्हें। पैसे कमाने से ज्यादा उन्हें हिफाजत से रखना जरूरी होता है। आशा, ये कौन है जानती हो? भूतपूर्व HRD मिनिस्टर मिस्टर देवराज। इतनी बारिश में भीगते हुए क्यों आया है पता है? अपने पैसे बचाने के लिए। बहुत लालची इंसान है ये। नहीं प्लीज। चुपकर। शहर में जितने भी कॉलेज थे इसने सारे बंद करवा दिए। कहा कि फैकल्टी सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, टीचर सही नहीं है। यही सारी झूठी बातें कर इसने कॉलेज बंद करवा दिए। और कॉलेज के ओनर से ये पैसा वसूल किया है। देखो, हम जैसे बच्चे लाखों रुपए खर्च करके एडमिशन लेते हैं, फैसिलिटी के नाम पे तुम और फीस बढ़ाते हो और बच्चे आत्महत्या करते हैं। इसमें हमारी गलती क्या है? इंजीनियरिंग करना तुम्हारी गलती है, ये सर यही कहना चाहते हैं। मिस्टर देवराज, मलेशिया में 10वीं तक पढ़ाई करने वाला सलून में काम करके 50,000 कमा लेता है। कनाडा में मच्छी की दुकान में भी काम करोगे तो लाख रुपया पगार मिल जाएगा। मगर हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स जीतोड़ मेहनत करके BA, BCom, PhD, MSc, BSc करते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें आखिर में क्या मिलता है? 10,000 की नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। इतनी पढ़ाई के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। इन सारी तकलीफों की वजह तुम लोग ही हो, आप जैसे लोग। क्या कर रहा है? मर जाएगा ये। देखो, स्पेशल कमिटी बनी है मेरे लिए। उन सब के सामने खुद को बेगुनाह साबित करके मैं फिर से मंत्री बनकर आऊंगा तुम्हारे सामने। इस समय कुर्सी पर नहीं हूँ लेकिन गुनहगार भी नहीं हूँ। ए, चलो सब बाहर, CBI वालों की बहुत टाइट सिक्योरिटी चल रही है। सभी चेक पोस्ट उनकी निगरानी में है इस वक्त, वैसे कहीं भी सेफ नहीं है समझो। दूध शराब हर गाड़ियां चेक कर रहे हैं ये लोग। मैं यहां पर एक वैन भेजता हूं, तुम सोफा बर्तन ऐसी चीजों में सारे पैसे भर देना और सील कर देना। ऐसा लगेगा घर शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग। बस यहां का पहला चेक पोस्ट आसानी से पार हो जाए, उसके आगे तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाई। 2 दिनों के अंदर इन सबको नए नोटों में बदलना है, यही पैसे फैसला करने वाले हैं। सुनो, पैसे गाड़ी में डालने के बाद इन दोनों को खत्म कर दो। जी भाई। लव फेलियर के नाम पे इन दोनों को टांग दो। ठीक है भाई। चलो चलो। तेरा भेजा बहुत तगड़ा है ना? अच्छा है लेकिन तू इसका गलत इस्तेमाल करता है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। शक्ति ओवर, ओवरडोज हो गया। तू मरेगा नहीं, जिंदा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रहेगा तू। ओवरडोज है, मरेगा नहीं, सिर्फ जिंदा रहेगा। क्यों बे, सर घूम रहा है ना तेरा? शक्ति, 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 उठो शक्ति, शक्ति, प्लीज उठो शक्ति, प्लीज। कौन हो तुम लोग? हाँ? और इसे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अपना मुंह बंद रख। नहीं रखूंगी। चिल्ला मत। चिल्लाऊंगी। ना, मुंह बंद रख। चले जाओ इस घर से, तुम लोग चले जाओ। जस्ट गेट आउट। Hey, अगर ये चिल्लाई तो इसे उड़ा देना। चिल्ला, चिल्ला अभी, चिल्ला। चुप क्यों हो गए? जल्दी कर, जल्दी भर। शक्ति। हेलो। शक्ति। ओके। Hey, हाँ। 10 मिनट में वैन आएगा। तुम जल्दी पैक करो। ठीक है। जल्दी, 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 जल्दी करो। शक्ति। ये लो। Hey, शक्ति। लग रहा है उसे उल्टी आ रही है, बाथरूम में लेके जाओ उसे। शक्ति कहाँ जा रहे हो? अबे जा जल्दी। शक्ति। हाँ।
सर, हमने मैक आईडी के जरिए उसके स्टैटिक आईडी का पता लगा लिया है। उसका स्टैटिक आईडी ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है और उससे उसका एड्रेस और फोन नंबर सब पता लगा लिया हमने। बस हमें वहां तक पहुंचना है। अरे इन दोनों में से शक्ति कौन है? वो राइट साइड वाला। ये सब इसने किया है सर। मैंने तोड़ दिया है, तुम यहां से निकल जाओ। तुम मेरी चिंता मत करो। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम चिंता मत करो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें इस हालत में छोड़ के, मैं नहीं जाऊंगी। तुम यहां रुकोगे तो ये तुम्हें मार डालेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज आशा, जाओ, निकल जाओ। बाथरूम का कांच टूटा है ये जानने से पहले तुम यहां से निकल जाओ। प्लीज प्लीज निकल जाओ, प्लीज जाओ। ए, कहाँ जा रही हो? बाथरूम। चल चल जल्दी कर, जल्दी फास्ट, गाड़ी आने से पहले सब कुछ पैक होना चाहिए। रुक, मैं देखता हूं। भाई हमारी बात सुनिए। सब की वजह यही है, मेरी कुर्सी छिनवा दी और पैसे लेकर दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ 23,000 रुपए के लिए इसने मुझे कुत्ते जैसा दौड़ा दिया। फंस गया ना, अब तो तू मेरे पास फंस गया। इधर उधर छुपने के बाद मेरे ही पास आया ना। मैं नहीं फंसा हूँ, तू फंसा है। ये घर देवराज का है और ये उसके साले का, और ये है कॉलेज, और ये है उनका फार्म हाउस। ये उसकी रखेल का घर। जानता हूं, तू चुप रह। इन सब जगहों में जहां पर स्पीड ब्रेकर है वहां पे मैंने सेंसर लगाया है। और इसके ऊपर से जो भी गाड़ी जाएगी ना वो स्कैन हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्कैनर लगा है। जैसे कि एयरपोर्ट में स्कैन होता है वैसे ही क्या? Exactly. क्या हमें ये पता लग सकता है कि वो कौन सी गाड़ी में पैसा लेकर जाएगा, ये जान सकते हैं ना हम? अभी बताता हूँ। गोपी तुम एक काम करो, डे और नाइट मॉनिटर पे देखते रहो तो अपने आप पता चल जाएगा कि किस गाड़ी में पैसे जा रहे हैं। सीधा सिटी में ना आकर घूम कर आई, उसके पीछे भी हमारा ही प्लान था। कभी भी जहां चेकिंग नहीं होती वहां चेक पोस्ट लगाया गया। जब तुम यूटर्न ले रहे थे तो एक बाइक बीच में आ गई। प्लान भी हमारा ही था।
हेलो शक्ति, वो वैन एस्टेट में एंटर हो रही है। तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारा वीडियो बनाकर प्रूफ के साथ पकड़ना हमारा मकसद था। इस घर के कोने कोने में मैंने हिडन कैमरा फिट किया है। तुम्हारा आना, बात करना, सब रिकॉर्ड हो गया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, बस एक गड़बड़ हो गई कि आशा बैंगलोर से रिटर्न आ गई। आशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अब तक सिर्फ उसी के लिए चुप था। तस्वीर पास तुम लोग बोरी भर भर के पैसे अपने पास रखे हुए हो और हम इंजीनियरिंग किए हुए 10-12 हजार की नौकरी ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब तुम नहीं बच सकते। ये प्रूफ जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गया है। रवि, वो लड़की भाग गई। उसे कैसे भागने दिया? जब भी सुनामी आए कोई भी ना बच पाए, इसके तो सैलाब में सब कुछ बह जाए। दिन के इतना उड़ जाएंगे हौसले तेरे जान, तू है मौत खड़ी सामने तेरे आज से पहचान। तू टिक ना पाए कोई आगे, इसमें है ऐसा दम, कोई सुरमा भी आ जाए निकलेगा आज सबका दम। आज हो जाएगा सब बेदम, निकलेगा यहाँ पे सबका ही दम। हो वो 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 कह दो भ्रष्टाचारियों को बाय 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 बाय, कर दो अत्याचारियों को बाय बाय। जागी 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 है चेतना, अब होगा परिवर्तन देखना। अब धधक चुकी है ज्वालामुखी, देखो चारों तरफ क्रोध आंधी उठी। अब खैरियत है किसी की नहीं, थमेगा अब ना रुकेगा, देखो। एचआरडी मिनिस्टर देवराज ने अपने रिश्वत का पैसा कहां छुपा कर रखा था, ये सीबीआई ने ढूंढ निकाला है। दो गैंग के आपसी झगड़े में देवराज और उसके लोग मारे गए। सीबीआई की जांच जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस खुलासे के बाद और कई मंत्रियों का पर्दाफाश हो सकता है। इस खुलासे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कई मंत्रियों का पर्दाफाश होने की संभावना है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश में रिश्वत का। हमने सब पैसे गिन लिए सर। कितने हैं? 500 करोड़ में 23,000 कम है सर। क्या देख रहा है? ये मेरे पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई। यार, इन्हीं 23,000 रुपयों के लिए वो सीबीआई ऑफिसर हम लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कोई जंग जीत ली है सच में। बस तू जल्दी से ठीक हो जा, उसके बाद तू उठकर हरभजन सिंह के जैसे भांगड़ा करना। क्या कर रही हो यार? कहीं तेरा मूड तो नहीं बन रहा है ना? जहाँ मौत और जिंदगी का सवाल हो, हर कोई अपनी सेफ्टी देखता है, लेकिन तुमने जो किया है वो काबिले तारीफ है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। इतना बड़ा स्कैम था, इतना पैसा इन्वॉल्व था, कितने स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, लेकिन तुमने सब कुछ सॉल्व कर दिया। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर, आई एम बालाजी। हेलो, ये है आशा।
Hello? मैंने भी इस केस में थोड़ी सी मदद की है सर. एक छोटा सा डाउट है सर, शिवाजी का केस इतनी आसानी से कैसे सॉल्व किया? It's my duty, boy. So cute, sir. अपनी जान की परवाह ना करते हुए मिस्टर शक्ति और उनके दोस्त ने इंजीनियरिंग कॉलेज का रिश्वत का पैसा पकड़कर सरकार को दे दिया. इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान किया. सरकार ने वो पैसा स्टूडेंट को वापस देने का फैसला कर लिया है.